मैं तो ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ किसी के बारे में। ये देश हमारा जो है, ये फौज हमारा जो है, मैं समझता हूँ कि आज के दिन में हिंदुस्तान में सबसे ताकतवर है। ये जो शहीद हुए हैं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी कारण, कोई ऐसा कारण होगा जो हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। ये दुख की बात है। मैं उस शहीदों को सबसे पहले मैं सलूट करता हूँ और उन्हें, मैं उनके घर के लोगों को हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ। ये हम लोगों खून रहेगा नहीं जाएगा। देश मेरा बहुत महान है। नेता बहुत सा आता है और बहुत चला जाता है। देश कभी आता जाता नहीं है, यही जनता है और जनता सब देख रहा है। लेकिन फिर भी दुख की बात है, हमारे मोदी सरकार, प्राइम मिनिस्टर बहुत कोशिश किए हैं चाइना से दोस्ती करने के लिए, किए भी दोस्ती, लेकिन उसका अंजाम क्या हो आपके सामने में है। आज आपने पहले पाकिस्तान 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 चिल्लाया, आपने वार किया, हम लोग ने भी देखा उसको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप क्यों नहीं इसको कर रहे हैं, चाइना पर क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं? हमारे 20 जवान का मतलब है उनको 200 जवान उसको मारना चाहिए। हमारे 85 जवान आज हॉस्पिटल में हैं, वो लोग सब जख्मी हालात में हैं। इसका दायित्व कौन है? कैसे वो लोग इतना हिम्मत हो गया जो हमारे घर के अंदर ढूंक के मार के चला जाए? ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारी सरकार आज तक कुछ नहीं कर रही है। करना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान को किया, इस तरह इसको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। लेकिन आज देश के हालात क्या हो गया देखिए। मोदी जी ने कहा नहीं नहीं आया नहीं तो फिर ये मारा कैसे गया? आया जरूर है, जरूर ढूंका होगा, नहीं तो उसके यहाँ, उसके अंदर हम लोग थोड़ी चले गए हैं, उनके एरिया में हम लोग थोड़ी ढूक गए हैं कि हम लोग मार दिया। वो ढूक के हम लोग का बॉर्डर लाइन क्रॉस कर, सपोज कीजिए हम लोग इलाका में नहीं आया लेकिन बॉर्डर के सामने तो गया, नहीं तो फिर कैसे मारा मारी हुआ, कैसे मारा? ये बहुत दुखद बात है। ये फौज हमारा, एक फौज 1000 के मुकाबले में है लेकिन ये 20 फौज शहीद हो गया है। ये मामूली बात नहीं है हमारे हिंदुस्तान भाइयों और बहनों, ये बहुत दुखद बात है। इस सरकार से जवाब मांगना चाहिए, हम लोगों को, सब लोगों को मांगना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। मैं तो फौज है तो हम लोग हैं, फौज है तो हम लोग, पूरा मेरा देश बचा हुआ है, देश के लिए हम लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। देश असल है, देश से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। पहले देश, बाद में धर्म, भाद उसके बाद आता है मजहब। मगर पहले हम लोग देश के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, कट जाएंगे, मगर कोई जवान को शहीद होने नहीं देंगे। आज 85 जवान हमारे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आप लोग दुआ कीजिए कि वो किसी तरह से सेहदाब होके अपने घर चले जाएं। जिस तरह बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। आप लोग बोलते हैं कि चाइना का मत सामान लो, रास्ते में सब चाइना का सामान को जलाया जा रहा है। अरे भाई, आप इजाज़त दिया है तब तो अंदर आ रहा है ना, उसको आने मत दीजिए, उसको आप वहीं रोक दीजिए। जब आप रोक देंगे तो कभी नहीं आएगा वो, कोई नहीं जलाएगा, ना माली नहीं आएगा। एकदम ट्रेड, पूरा ट्रेड बंद कर देना चाहिए। और इस मामले में हम लोग सब आपके साथ हैं, देश के साथ हैं। हमारे चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, हम लोग देश के साथ हैं। ये तो हालात जो है वक्त बताएगा, ये वंस अपॉन ए टाइम, किसी वक्त में उन्होंने इस एग्रीमेंट किया था जैसा ने, लेकिन अभी जो हालात हो गया देश का, उसमें इस बात को उनको सोचना होगा, ठंडा दिमाग से सोचना होगा कि चाइनीज़ के साथ संपर्क रखें या ना रखें। हम लोग पूरा देश आज चाइनीज़ को बायकॉट करने जा रहे हैं। चाइनीज़ का ना कोई माल होगा, ना कोई यहाँ स्पॉन्सरशिप चलेगा, और जो लोग चलाएगा देश के साथ गद्दारी करेगा, देश का वो दुश्मन होगा, उसे जनता कभी माफ नहीं करेगा। 1, 2, 3, स्टार्ट।
मैं छोटा सा बात, मुख्तसर सा बात, एक शेर है राहत इंदौरी साहब का, उन्होंने कहा कि देखो सरहद पर तनाव है क्या, सरहद पर तनाव है क्या, क्या इलेक्शन है क्या, इलेक्शन होने से सरहद पर तनाव होगा, कहीं भी देख लीजिए जब भी इलेक्शन हुआ कुछ न कुछ देश में घटना घटी है और उससे आपने फायदा उठाया है। ये फायदा मत करो मेरे भाई, देश को बचाओ पहले, हम लोग सब आपके साथ हैं, अटैक कीजिए इतना जोरदार तरीके से ताकि आप पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, इन पर क्यों नहीं कर रहे हैं, कब तक जनता आपका राह देख रही है, राह देख रही है, बिहार का इलेक्शन भी सामने आ गया।